तो गाइस क्या आप सेवन वंडर्स ऑफ वर्ल्ड को मुंबई में रह के एंजॉय करना चाहते हो और विजिट करना चाहते हो, तो मैं प्रदीप आपको इस वीडियो में लेके जाने वाला हूँ सेवन वंडर्स ऑफ वर्ल्ड जो कि है मुंबई में। हाँ भाई, आपने सही सुना, मुंबई में। तो चलिए चलिए चलिए। सो हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो आज के व्लॉग में हम लोग जा रहे हैं जोसेफ बपिस्टा गार्डन जो कि है माजगांव में। इट इज़ वन ऑफ द स्पेशल गार्डन। तो मैं अभी हूँ हार्बर के GTB स्टेशन पे। तो मेरे साथ अभी एक स्कैम हुआ है, तो बिकॉज यही रीज़न है कि मैं ये स्टेशन पे आके खड़ा हूँ। तो वो जो स्कैम है, बोल सकते हो मेरे साथ जो मजाक हो गया, आपके साथ भी हो सकता है। तो ये क्या हुआ है ये आपको देखने मिलेगा अगले वीडियो में। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आर गोइंग टू वॉच माई नेक्स्ट वीडियो ऑल्सो। तो गाइस नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है यहाँ पे डॉकयार्ड रेलवे स्टेशन। तो यहाँ से आप वॉकिंग करके आ सकते हो, अराउंड 5 to 7 मिनट्स ही है ये गार्डन। दिस गार्डन वॉज नेम्ड एज जॉन ग्रैंट करके, बिकॉज हु वॉज द म्युनिसिपल कमिश्नर ऑफ बॉम्बे इन द पीरियड ऑफ 1877। बॉम्बे इसलिए मैंने कहा कि बिकॉज मुंबई को तभी बॉम्बे कहा जाता था, लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस तो ये जो गार्डन का नेम है उसका नाम चेंज किया गया, दैट इज जोसेफ बपटिस्टा गार्डन हु वॉज द फ्रीडम फाइटर फ्रॉम माजगांव। तो ये गार्डन में लाने का मेन रीज़न यही है कि आपको मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि आप मुंबई में बैठ के सेवन वंडर्स ऑफ वर्ल्ड देख सकते हो। सो इफ़ यू आर नियर मुंबई और अगर नियर मुंबई में भी रहते हो तो आप ये प्लेस को ज़रूर विज़िट कर सकते हो, बिकॉज़ यहाँ पे आपको सेवन वंडर्स ऑफ वर्ल्ड देखने मिलेंगे। तो गाइस मैं अभी आ चुका हूँ ब्राज़ील में। तो गाइस बेसिकली जो ये गार्डन है 140 प्लस ईयर्स के पहले बनाया हुआ गार्डन है, और ये जो गार्डन है दिस इज़ लोकेटेड ऑन द भंडारवाड़ा हिल विच इज़ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ माजगांव। सो इफ़ यू आर कमिंग शाम के 5-6 बजे तो आपके लिए बैठने के लिए भी मस्त जगह है यहाँ पे। और व्यू के बारे में तो क्या कहोगे, देखो व्यू तो बहुत ज़बरदस्त है यार। और बेसिकली ये जो गार्डन है ये भी बहुत बड़ा गार्डन है, यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं मॉर्निंग वॉक के लिए बोलो, इवनिंग वॉक के लिए। तो अभी आप शाम के 5 बजे है, ओपनिंग टाइम है इवनिंग का, तो आप देख सकते हो मतलब मेरे सराउंडिंग्स में आपने देखा ही होगा मेरे बैकग्राउंड में अभी तक कि बहुत सारे वॉक लोग यहाँ पे वॉक रन जॉब छोटे बच्चों के साथ है उनको लिए एंजॉय कराने के लिए, सी वन ऑफ माई एग्जाम्पल है। तो अभी ब्राज़ील के बाद मैं डायरेक्टली पहुंच चुका हूँ यहाँ पे यूरोप में आपके लिए आईफिल टावर दिखाने के लिए। तो चलिए आईफिल टावर देखते हैं।
तो मैं यूरोप से डायरेक्टली यहाँ पे जंप मार चुका हूँ डायरेक्टली न्यूयॉर्क में। तो हम लोग एक छोटा सा वर्ल्ड टूर भी कर रहे हैं। एक्चुअली मैंने चार वंडर्स तो यहाँ पे कर लिए, मतलब आपको दिखा तो दिए, लेकिन मुझे फिफ्थ, सिक्स और सेवन्थ यहाँ पे नहीं मिल रहा है। इट्स एक्चुअली अ ह्यूज गार्डन, अराउंड कुछ 1 acre के प्लेस पे ये बनाया हुआ है। सो नाउ आई एम सोचिंग वेर इज़ फिफ्थ, सिक्स एंड सेवन्थ। इट्स अ वेरी मच टफ जॉब इतनी कड़ी धूप में ढूंढने के लिए। तो अभी मैं आ चुका हूँ इटली में लीनिंग टावर ऑफ पिसा देखने के लिए। सो नाउ नेक्स्ट वर्ड मेक्सिको। सो फाइनली वी आर मूविंग टूवर्ड्स द लास्ट वंडर ऑफ वर्ल्ड, जो हमें बच गया था सेवेंथ वंडर ऑफ वर्ल्ड। एंड हाँ, चलो फिर देखते हैं। तो गाइस अभी हम लोग इस व्लॉग में पूरे 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड तो देख लिया, एंड होप कि आपको ये वीडियो थोड़ा सा था इन्फॉर्मेटिव लगा ही होगा। तो अभी वक्त है इस व्लॉग को एंड करने के लिए। तो अगर आपको ये गाइस व्लॉग पसंद आया होगा दैन प्लीज़ मेक श्योर दैट यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल बटन। तो फिर मिलते हैं नए व्लॉग में एक नए दिन, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड वर्क हार्ड टिल योर नेम बिकम्स योर ब्रांड, एंड बाय बाय।